तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिग की टेक्निक्स। तो आप लोग भी इस टाइप का लोफी स्टेटस वीडियो एडिट करना चाहते हो तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। आज तुम्हारा भाई सिंपल स्टेप में बताएगा कि इस टाइप का लोफी स्टेटस वीडियो कैसे एडिट करना है बी एन एप्लीकेशन से। तो अपने बी एन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, देन यहाँ से आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपकी यहाँ से गैलरी ओपन हो जाएगी। सो आपको यहाँ पर फोटो वाले ऑप्शन पर टैप करके यहाँ से आपको अपना एक फोटो सेलेक्ट कर लेना है। अपना या किसी के भी फोटो पर आप स्टेटस वीडियो एडिट करना चाहते हो तो भी आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं ये फोटो आपको दिखाने के लिए सेलेक्ट करता हूँ, एंड यहाँ से नेक्स्ट के ऑप्शन पर टैप करना है। अब आपके बीएन एप्लीकेशन में आ जाएगा। अब आपको टाइमलाइन को लास्ट में लेके आना है। यहाँ पर देखोगे तो एक वाटरमार्क दिखेगा, इस पर आपको टैप करना है, देन यहाँ से आपको डिलीट कर देना है। अब ऊपर साइड में ओरिजिनल के ऑप्शन पर टैप करके यहाँ से इसका साइज आपको 9x16 कर देना है, एंड एक बार स्क्रीन पर टैप करके अपने यहाँ पर पिक पे आना है और इस पर आपको एक बार टैप करना है। देन टैप करने के बाद यहाँ से अपने पिक को पकड़ के कुछ इस तरीके से आपको बढ़ा लेना है जितना देर का, जितना सेकंड का आप स्टेटस वीडियो एडिट करना चाहते हो। तो यहाँ से मैं 15 सेकंड कर ले रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो आपको वीडियो के फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद अब आपको क्या करना है, अपनी एक बार इमेज पर टैप करना है। देन नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा ब्लर का। इस ब्लर वाले ऑप्शन पर आपको एक बार टैप करना है, देन यहाँ से आपको बेसिक वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है, एंड यहाँ से आप ब्लर को एडजस्ट कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा जितना कम आप रखना चाहते हैं यहाँ से ब्लर आप एडजस्ट कर लीजिएगा, एंड एक बार स्क्रीन पर टैप कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड करना है। इसका डाउनलोड फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मटेरियल जितने भी यूज करूंगा इस वीडियो को एडिट करने के लिए सभी का डाउनलोड फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड करने के लिए हमें प्लस के आइकन पर टैप करना है, देन यहाँ से वीडियो फोटोज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपकी यहाँ से गैलरी ओपन हो जाएगी। सो यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन वीडियो रखा हुआ है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, देन ये आपका बीएन एप्लीकेशन में आ जाएगा। अब आपको नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको फील का। इस फील के ऑप्शन पर आपको टैप करके इसको फुल स्क्रीन में कर लेना है। अब नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा क्रोमा का। इस क्रोमा के ऑप्शन पर टैप करके देन इस प्लस वाले आइकन को उठा के कुछ इस तरीके से आपको ग्रीन पर ऐड कर देना है। देन यहाँ से आपको इंटेंसिटी को बढ़ा लेना है, लाइक यहाँ से आपको 85 कर देना है। देन 85 करने के बाद यहाँ से स्पीड को कुछ भी नहीं करना है, राइट के निशान पर आपको टैप कर देना है। इतना काम करने के बाद अब आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर साइड में यहाँ पर आपको एरो के ऑप्शन पर टैप करना है, देन यहाँ से एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर दोबारा से टैप करके अपने इस वीडियो को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। पहला स्टेप यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो एक्सपोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, यहाँ पर आपको वेट कर लेना है। तो यहाँ से देख सकते हो हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो गई है। अब यहाँ पर डन के ऑप्शन पर टैप कर देंगे, एंड हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ से दोबारा से हमें प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, देन यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारी यहाँ से गैलरी दोबारा से ओपन हो जाएगी, ध्यान देना, और यहाँ पर आपको फोटो के ऑप्शन पर टैप कर देना है। अब यहाँ से आपने जो फर्स्ट बार में जो फोटो सेलेक्ट किया था वही फोटो आपको दोबारा से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से फोटो पर टैप करेंगे, एंड नीचे साइड में नेक्स्ट के ऑप्शन पर टैप कर देंगे। अब ये आपका दोबारा से बी एन एप्लीकेशन में आ जाएगा। अब आपको टाइमलाइन को लास्ट में लाके इस वाटरमार्क पर टैप करके यहां से आपको डिलीट कर देना है। अब ऊपर साइड में ओरिजिनल के ऑप्शन पर यहां पर आपको क्लिक करना है, देन यहां से साइज को 9x16 कर लेना है। इतना काम करके एक बार स्क्रीन पर टैप करना है, देन अपनी वीडियो के पास आकर अपनी इमेज पर एक बार टैप करके इसका साइज आपको बढ़ा लेना है। जितना आपने पहली बार में बढ़ाया था उतना आपको बढ़ा लेना है, देन यहां से एक बार आपको स्क्रीन पर टैप कर देना है। अब आपको वीडियो के फर्स्ट में आना है, देन यहां पर आपको उस वीडियो को यहां पर ऐड करना है जो आपने फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट किया था, एक्सपोर्ट किया था। तो जो एक्सपोर्ट किया था उसको ऐड करने के लिए हमें प्लस के आइकन पर यहाँ पर टैप करना है, देन यहाँ से वीडियो फोटोज वाले ऑप्शन पर टैप करना है। अब हमारी यहाँ से गैलरी ओपन हो जाएगी। सो हमने जो वीडियो को एक्सपोर्ट किया था वो हमारा फर्स्ट में ही यहाँ पर रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, आप लोग भी सिलेक्ट करिएगा, देन ये आपका बी एन एप्लीकेशन में आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, देन यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको फील का। इस फील के ऑप्शन पर टैप करके इसको फुल साइज में कर देना है। अब यहाँ पर नीचे साइड में आपको स्क्रॉल करना है, देन क्रोमा के ऑप्शन पर एक बार आपको टैप करना है। देन यहां से अब आपको क्या करना है, इस प्लस वाले आइकन को उठा के थोड़ा सा आपको घुमा के यहां पर ब्लू पर ऐड कर देना है, एंड यहां से आपको इंटेंसिटी को बढ़ा लेना है, लाइक यहां से आपको बढ़ा लेना है 65 का आपको कर लेना है। देन यहां से आपको स्पीड को कुछ भी नहीं करना है, राइट के निशान पर आपको टैप कर देना है। इतना काम करने के बाद एक बार आपको स्क्रीन पर टैप करना है, देन यहां से आपको अपनी ओरिजिनल वाली इमेज पर आपको टैप करना है, इस पर नीचे वाली पे इस पर आपको टैप करना है। देन यहाँ से अपने दोनों फिंगर की मदद से कुछ इस तरीके से अपनी फोटो को जूम कर लेंगे ताकि दिखने में
में आपका बहुत ही अच्छा लगे, ज़्यादा मत करिएगा वरना आपका वीडियो यहाँ से ख़राब भी हो सकता है। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से जूम कर लेंगे, देन जूम करने के बाद अब आपको एक बार स्क्रीन पर टैप कर देना है। अब आपको यहाँ पर एक ब्लैक शैडो को ऐड करना है, इसका भी डाउनलोड फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। सो उसको ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर प्लस के आइकन पर जाना है, देन यहाँ से वीडियो फोटोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारी यहाँ से गैलरी ओपन हो जाएगी, सो ब्लैक शैडो ऐड करने के लिए फोटो के ऑप्शन पर टैप कर देंगे, देन यहाँ पर हमारा ब्लैक शैडो ऐड है, इसका डाउनलोड फाइल आपको पता ही है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर फिल के ऑप्शन पर टैप करके इसको साइज में कर लेना है। देन अब आपको क्या करना है, ये जो आपने ब्लैक शैडो यूज किया है इसको आपको क्या करना है, पकड़ के कुछ इस तरीके से नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना है, कुछ इस तरीके से इतना आपको स्क्रॉल कर देना है, देन एक बार आपको स्क्रीन पर टैप कर देना है। अब आपको यहाँ पर एक लिरिक्स वीडियो को ऐड करना है, इसका डाउनलोड फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। सो लिरिक्स वीडियो को ऐड करने के लिए हमें प्लस के आइकन पर टैप करना है, देन यहाँ से वीडियो फोटोज वाले ऑप्शन पर जाना है, देन हमारी यहाँ से गैलरी ओपन हो जाएगी। अब लिरिक्स वीडियो को ऐड करना है, सो यहाँ पर रखा हुआ इसको मैं ऐड कर ले रहा हूँ, आप लोग भी ऐड कर लीजिएगा। सो अब आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर आपको इस लिरिक्स वीडियो को पकड़ना है एंड कुछ इस तरीके से आपको बड़ा कर लेना है, बड़ा करके यहाँ पर आपको नीचे साइड में ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, देन यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा ब्लेंडिंग का, इस ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर टैप करके नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऑप्शन पर टैप कर देना है, देन राइट के निशान पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका यहाँ से लिरिक्स वीडियो लग गया है, एक बार आपको स्क्रीन पर टैप करके देन टाइमलाइन को थोड़ा सा आगे लेके आना है, देन देख सकते हो अभी भी हमारा लिरिक्स वीडियो अच्छे से नहीं ऐड है। तो इसको अच्छे से करने के लिए यहाँ पर लिरिक्स वीडियो पर एक बार टैप करना है, देन यहाँ से अपने दोनों फिंगर की मदद से कुछ इस तरीके से जूम करके यहाँ पर आपको नीचे साइड में कुछ इस तरीके से ऐड कर देना है। अब एक बार आपको स्क्रीन पर टैप करना है, देन यहाँ से हमारा लिरिक्स वीडियो लग गया है। अब आपको एक पार्टिकल इफेक्ट वीडियो को ऐड करना है, तो उसको ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर प्लस के आइकन पर जाना है, देन यहाँ से वीडियो फोटोज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, हमारी यहाँ से गैलरी ओपन हो जाएगी। सो हमारा जो पार्टिकल इफेक्ट वीडियो है हमारा यहाँ पर ऐड है, इसको मैं तो ऐड कर ले रहा हूँ, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने के बाद ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पर फिल के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको यहाँ से फुल स्क्रीन में कर देना है। अब यहाँ पर नीचे साइड में थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है, देन ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके स्क्रीन के ऑप्शन पर टैप कर देना है, देन यहाँ से आपको एक बार राइट के निशान पर टैप कर देना है। अब आपका यहाँ से पार्टिकल इफेक्ट वीडियो भी लग गया है, अब आपकी वीडियो कंप्लीट यहाँ से बनके भी रेडी हो गई है। एक बार मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो देख सकते हो हमारी वीडियो यहाँ से कंप्लीट बनकर रेडी हो गई है। इस वीडियो को अपनी गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर साइड में एरो के ऑप्शन पर टैप कर देना है, देन यहाँ से आपको एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर दोबारा से टैप करना है, देन यहाँ से आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा, आपकी गैलरी में जाके सेव हो जाएगा। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और मैं पसंद आया हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, इंस्टाग्राम का यूजर नेम स्क्रीन पर शो रहा है। मिलता हूँ आपसे किसी और एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर एंड बाय।